मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह ने गुस्से भरे लहजे में भाजपा के राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर बड़ा हमला बोला है। शिमला कांग्रेस भवन में संसदीय क्षेत्र के जर्नल हाउस में पहुंचे वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद के फर्जी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन देश और प्रदेश के असली मुद्दों से भाग रही है। भाजपा का राष्ट्रवाद का मुद्दा फर्जी और ढोंग है। भाजपा राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र शोषक है। शिमला में आयोजित संसदीय क्षेत्र की कांग्रेस आम सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत के लिए सभी कांग्रेस नेता एकजुट होकर काम करेंगे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस नीचे से लेकर ऊपर तक एकजुट है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। हर स्तर के ऊपर, नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको जिताने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। और जो 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 तैयारियाँ हैं वो उनको और भी सशक्त किया क्या बढ़ा जाएगा। और हर मोर्चे के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको हराने के लिए काम करेंगे। भाजपा का राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है फर्जी है, ढोंग है, वो कोई राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र शोषक है। सबको आप उनको भी और आप सबको मैं पंप करूंगा। वहीं कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रचार अभियान में पूरी ताकत लगा दी है। बैठक में चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। वीरभद्र सिंह पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों की जीत के लिए रैलियां भी करेंगे। आज की बैठक का उद्देश्य चुनावों के लिए रणनीति बनाना और हमारे जो पार्टी के लोग आए हैं वो बैठ के चर्चा करेंगे किस तरह से हम प्रभावी ढंग से जो है संगठन का अभियान चला सकें। उसी विषय को लेके जो है आज विस्तृत रूप से जो है चर्चा होने वाली है। अभी हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं 14 तारीख के बाद जो है कार्यक्रम बनने वाला है। 14 तारीख को श्री वीरभद्र सिंह जी हमीरपुर जाएंगे और हमारे पार्टी के जो दूसरे नेता भी हैं उसके बाद जो है कार्यक्रम बन रहा है और पूरे प्रदेश का जो है दौरा किया जाएगा। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि यहाँ अंतिम चरण में चुनाव है इसलिए एक हम उनकी जनसभा जो है कांगड़ा में कर चुके हैं, अब 3 संसदीय क्षेत्र में उनकी जनसभाएं होनी है तो उसके लिए अभी जो है कार्यक्रम जो है बनना है। कि आज तक जो हमारे देश की चुनावी राजनीति का इतिहास रहा है, जब जब भी मतदान ज़्यादा हुआ है वो सत्ता विरोधी पक्ष को पड़ा है। मुझे ये लगता है कि जिस ढंग से अभी जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ और ज़्यादा संख्या में मतदाता जो है निकल कर आए, ये इस बात को इंगित करता है कि सत्ता विरोधी रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। बैठक में कांग्रेस की शिमला संसदीय सीट से प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल, पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स और संसदीय क्षेत्र शिमला के विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका चौहान की रिपोर्ट।